आज आप लोग को करने को मिलेंगे कैची धाम के दर्शन। ऐसे देखा है बोल रहे हैं। बाय बाय। यहाँ से हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम लोग जा रहे हैं राइड पे, वो भी पहाड़ों की ओर। तो हमें भी नहीं पता, हम लोगों ने आज सफर तो स्टार्ट कर लिया, तो देखेंगे आगे कोई कहाँ जाते जाते कहाँ पहुँचते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय। पति देव भी हो गए तैयार और मैं भी हूँ रेडी। और वहाँ देखो तो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं गलापार से पहाड़ों की ओर। मौसम देख सकते हैं आप लोग कितना ठंडा लग रहा है। तो अभी हो रहा है स्कूल के बच्चों का टाइम, तो छुट्टी की वजह से बहुत रश हो रहा है रोड में। देख सकते हैं ट्रैफिक वगैरह लग जा रहा है। और हमारे यहाँ के बच्चे भी दिख रहे हैं। देखो पैसे वाले लोग कहाँ से आ रहे हैं। पैसे वाले लोग कहाँ जा रहे हैं। यहाँ से पहाड़ दिखने लग गए हमारे यहाँ से। इतना अच्छा लग रहा है, जितना जितना ऊपर जा रहे उतना ज्यादा अच्छा लगता जा रहा है मुझे। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं काठगोदाम, कुमाऊँ का द्वार। काठगोदाम आप लोग को पता ही होगा। तो रोडों के हाल देख सकते हैं यार आप लोग। इतनी नैनीताल वाला हाईवे है और यहाँ इतने गड्ढे हो रखे हैं ना इस रोड पे। मतलब बाइक अगर आराम आराम से ना चला जाए तो सीधे गड्ढे में घुस जाए, ऐसे बीच रोड में गड्ढे हो रखे हैं। नीचे वाला रास्ता भीमताल के लिए और ये गया मेरे घर के लिए। बहुत टाइम बाद में भीमताल के रास्ते कहीं जा रही हूँ, वरना पहले से तो शादी से पहले ऐसी जगह लग गया होगा घूमने में। कैसे धाम तो आने वाला है पास में ही है। बाप रे, साइकिल से तो दो दिन बोले कि मेरे दरबार में कब आ रहे बेटा। तो आप लोग खाने पीने का क्या करते हो अपना। खाने पीने का लोग हेल्प कर देते हैं, मंदिरों पे हो जाता है, मंदिरों पे हो जाता है, बाकी लोग हेल्प कर देते हैं। तो मंदिर में खाने वाला तो कमी है ना उत्तराखंड में, नहीं मिला हमें। हाँ। हल्द्वानी में कल हम लोगों ने जैसे तैसे निकाला। कल एक भैया मिले तो उन्होंने 200 दिए, तो देन उसके बाद हमने होटल पे खाना खाया। तो उससे पहले हम लोग को हर जगह पे हेल्प हुई है। यूपी में भी मंदिर मिले काफी। यूपी में भी मंदिर मिले। उत्तराखंड में ऐसा नहीं है ना मंदिर वाला कोई सिस्टम। मतलब मंदिरों में यहाँ कुछ वाला नहीं चलता, कैसे भोजन वोजन वाला पे नहीं। हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला जो आपकी क्योंकि हमारा यूट्यूब भी है और यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं हम कंटिन्यू। डाल रहे हो यूट्यूब पे। इंस्टा भी है हमारा, इंस्टा पे भी हम कंटिन्यू। क्या नाम से है? अमन सोनी 098। कितने सब्सक्राइबर हैं अभी? ज़्यादा नहीं, हज़ार होंगे। तो गाइस अभी हम लोग है भीमताल और हल्द्वानी के बीच में। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम जितना ऊपर जा रहे हैं उतना कोहरा बढ़ते जा रहा है, इतनी ठंड बढ़ती जा रही है। तो ये जगह इतनी अच्छी लग रही है ना, अभी क्या बताऊँ। और यहाँ पर मिल जाएंगे आपको जगह जगह पर घूमने वाले, देख सकते हैं यहाँ पे गोभी है। और सामने यार मौसम और एक पहाड़ी और एक ग्रीनरी, यार क्या ही बताऊँ, क्या नज़ारे हैं यहाँ के, मज़ा ही आ गया। तो हम जितना ऊपर जा रहे हैं ना कोहरा उतना ज़्यादा उतना घना लगते जा रहा है। और यहाँ पर क्या हुआ है, तार बाड़ कर दिया, क्योंकि यहाँ पर को फोटो वगैरह लेते थे लोग और यहाँ पर जाना मना था। तो पहले कुछ इतना सा था, अभी यहाँ पूरी की पूरी तार बाड़ कर दिया है। 2 किलोमीटर का सफर करना है, 1 घंटे का रास्ता हमने कर दिया था कहीं पर, तो अब 2 घंटे का रास्ता है, 2.5 घंटे का रास्ता हमारा और बचा है। तो चलते हैं पहाड़ों की ओर। तो पहाड़ों में बड़ी देर लगी थी, बैंड बैंड होते हैं और गाड़ियाँ भी सिंगल सिंगल लाइन होते हैं, तो सिंगल में बड़ी सिंगल होती है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भीमताल, देख सकते हैं क्या प्यारा नज़ारा है यार। सामने ताल और मछली की कितनी गंदी सी स्मेल आ रही है, मैं क्या ही बताऊं। सो गाइस मुझे मिले यहाँ पे 2 बच्चे की ओर से, जो मेरे से पूछ रहे चैनल का नाम, शायद से देखा है बोल रहे हैं। बाय बाय। बाकी तुम तो मेरे से मजे लेते हो हमेशा। डिग्री लेने के बाद अब चल दिया हम यहाँ से आगे। मेन हमारा डिग्री लेने का मकसद था ये प्रकाश, जो हमारे छोटे मिनी ग्रुप
लेना तो इसका ऐसे जाना पड़ेगा ऐसे बेचारे को। तो हम लोग जा रहे हैं अभी भिमताल से, तो हमें मेहरा गाँव से। मैं हूँ इलेक्ट्रिक मैन। सो गाइस ऐसे ऊपर ऊपर जा रहे हैं, वैसे बारिश तेज तेज होते जा रही है, तो अभी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। और हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली भवाली में, तो ये है भवाली। सो गाइस ये है हमारे भवाली की मार्केट, तो आप लोग को पसंद आई नहीं आई कमेंट करके जरूर बताना। तो भवाली कौन कौन आया है मुझे कमेंट करके जरूर। भवाली तो सभी लोग आएंगे, मोस्ट जो नीम कोराली बाबा के पास गए हैं उनके दर्शन करने के लिए, तो उन्होंने भवाली मार्केट तो देखी होती, तो इतना रश रहता है ना, यहाँ सिंगल रोड है तो रश बहुत ज़्यादा रहता है। तो किसी को भी अगर कैंची धाम जाना है तो यहाँ पर जाएगा उन किसी को। ये है नैनीताल का रास्ता और हम आए हैं अभी भीमताल के रास्ते। तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेंगे ऐसे प्यारे प्यारे बहुत सारे झरने, अभी आगे को और भी बहुत सारे झरने देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं पहाड़ों की हसीन वादियों में। पहुँचने वाले कैची धाम के ठीक ऊपर पहुँच गए हैं। तो जैसे ही आप लोग को ये बैंड दिखो ना, तो आप लोग समझ जाओ कैची धाम आ चुका है, सिर्फ एक बैंड नीचे। तो अभी आप लोग को मैं दिखाऊंगी कैची धाम। तो यहाँ है कैची धाम के लिए पार्किंग, कभी भी अगर आप लोग को मंदिर के अंदर जाना हो तो आप लोग यहाँ गाड़ी पार्क कर सकते हैं। तो आज तो खाली लग रही पार्किंग, अगर ना ऊपर तक खुल रहती है उसके बाद नीचे एक पार्किंग है वो भी खुल रहती है, तो आज तो भीड़ कमी आई हुई है। और देखिए सर खाली है, कितने कितने सारे खाली होते जा रहे हैं। तो वो रहा सामने कैसी मिली, तो जब से यहाँ पर मतलब ये फेमस हुआ है ना ये वाला मंदिर, तो देख सकते हो उसके बाद से कैसा कैसा कर दिया लोगों ने, है इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट वगैरह बना दिए। पहले यहाँ कोई भी नहीं आया करता था, मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ गई थी ना तो बिल्कुल खाली था मंदिर, कोई भी, इतनी शांति थी ना, शांति के लिए लोग यहाँ आते, पर भीड़ भड़ाका करते हैं पूरा का पूरा ऐसा कर दिया है ना। तो दूसरी पार्किंग यहाँ है कैची धाम की, ये वही नीचे, अरे जीना रेस्टोरेंट हमारे वहीं का है, हमारे वहीं चोपड़े वालों का किसी का, आप लोग जा सकते हैं इनके यहाँ। मेहनत करनी पड़ती है फिर, तो फिर पैसा ऐसे उड़े कमाया जाता है, पता चल रहा है अब हमारा कितना मेहनत होता है, इजा इजा सब याद आ रहा है। पहाड़ पर आके कभी भी ऐसा ना करें जैसा यहाँ पर कर रखा है, देख सकते कितना डिस्पोजल वगैरह फेंका हुआ है। और यहाँ सामने का व्यू देख सकते हैं आप लोग, पूरा का पूरा नदी आ रही है और उसके बगल में किसी ने रिसोर्ट बना रखा है, देखो तो कैसे रहते होंगे रात को। मेरे को सुनिए ना, कभी ज़्यादा पानी आ गया इसमें तो क्या होगा, और इनको देखो इनको ज़्यादा मज़ा आ रहा है मेरे से। तो वैसे रोडवेज की बसों ने इतना परेशान कर रखा ना यार, इनको थोड़ा छोटा करा देना चाहिए, मतलब इतना ट्रैफिक करती ना यहाँ पहाड़ों पे। इसमें तो पहाड़ में ई रिक्शा देख के परेशान हो गई, बबरे यहाँ भी चलने लगे, मैं तो आज ही देख रही हूँ नदी हमारे साथ साथ चलेगी, जहाँ तक ये रोड ना मतलब जहाँ तक ये नदी है वहाँ तक भी हमारे साथ साथ चलेगी। देखो यहाँ बकरी चरा रही थी बच्ची, देखो बकरा बुला रहा, बे करो ना बे करो। तो अभी आप लोग देख रहे होंगे सामने ऐसा लगेगा ना आपको, एक पहाड़ के पीछे दूसरा पहाड़ है, एक दूसरे पहाड़ के पीछे तीसरा पहाड़, तो जितना हम आगे जाते जा रहे हैं उतने ऐसे पहाड़ आते रह रहे हैं, और इतना मस्त लग रहा है ना, इतना प्यारा लग रहा है ना सामने का, मतलब रेनबो जैसे बनता है ना वैसे, एक पहाड़ के पीछे दूसरा, दूसरे के पहाड़ पीछे तीसरा, तो इसमें जब रेनबो पड़ता होगा तो कितना सुंदर लगता होगा ये नज़ारा यार, बाय गॉड हम काश यहाँ रह पाते, काश हमारा कभी यहाँ घर हो इस जगह पर जहाँ पर अभी हमें। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं क्वारब और अल्मोड़ा की वाली जहाँ पर से कट है वहाँ पर को, तो जो सीधी रोड गई है वो गई है
है कौरव के लिए, और जो वहाँ से लेफ्ट के लिए रोड कटी है वो गई है अल्मोड़ा के लिए। तो यहाँ पर से हम जाएंगे अल्मोड़ा की ओर। और मैं पहुंच चुकी हूँ पहाड़ों में, और देख सकते हैं पीछे का व्यू कितना सुंदर लग रहा है। सीढ़ी नुमा खेत है पीछे सारे के सारे देख सकते हैं, और जो व्हाइट व्हाइट वाले फ्लावर्स हुए हैं ना बीच बीच में, वो अगर सारे पहाड़ में हो जाए तो इतना मस्त लगेगा ना सारा का सारा व्यू, मजा आ जाएगा यार, क्या मजेदार नज़ारा है। और ये खाने लग गए चिप्स और चाय वगैरह। अकेले खा रहे हो, मुझे नहीं खिला रहे हो क्यों? ये है हमारे वहाँ का पहाड़ी फ्रूट, यानी कि मिनी सेब कहते हैं इसको हमारे वहाँ, इसका नाम मुझे भी नहीं पता है। तो इसको खाते हैं वाई, जो ये रेड रेड वाले दाने हो रहे हैं इसको खाते हैं। इसमें भी दो टाइप का आता है, एक जंगली वाला होता है, एक अच्छा वाला होता है। इसके थोड़ा सा मुझे खराब खराब से दाने लग रहा है, पर जो ये वाला है ना उधर सामने वो लाल पट्टू रखा, वो एकदम खाने लायक हो रखा भाई, बॉर्डर कैसे टूट जाता ना, मैं खाती पक्का। हम लोग पहुँच चुके हैं फाइनली अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में आपका हार्दिक स्वागत है। चौकी पति ने मुझे यही फेंक दिया आगे वीडियो बना करके, तो मैं बनाने के लिए आगे वीडियो जब मैं उतरी गई हूँ तो आप लोग को यहाँ के नज़ारे दिखाई दे अच्छे से। तो देख सकते हैं नीचे कितना प्यारा लग रहा है, एक घर है उसके चारों ओर पेड़ पौधे, वाव क्या सीनरी आ रही है यार, सामने का मौसम देख सकते हैं आप लोग, और नीचे एक नदी भी है देख सकते हैं, वो नदी बह रही है, वहाँ से फिर पहाड़ स्टार्ट हो रहा है, तो कुछ ऐसा नज़ारा है सामने का आप लोग देख सकते हो, कितना प्यारा लग रहा है, इतना ब्यूटीफुल मतलब पीसफुल। हमारे भी गाय आ रही, पर यहाँ भी लोगों ने सारे गाय वाय छोड़ दिए, बैल वगैरह सब जगह तबाही मचा रहे हैं, हमारे वहाँ तो कुछ ज्यादा तबाही मचा दी है इनने। तो अभी कैसा लगा आप लोग को हमारा पहाड़ पे अल्मोड़ा, और यहाँ की फेमस है मिठाई जो है बाल मिठाई, चॉकलेट के बाहर से जो व्हाइट व्हाइट दाने वाली मिठाई जिसको बोलते हैं बाल मिठाई, तो मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगी क्योंकि मैंने बुआ के लिए ली है यहाँ से, इसने ले लिए यहाँ से किम सिंह मोहन सिंह के वहाँ से ले लिए मिठाई, फेमस मिठाई। अरे वो भी तो होंगे इनके पास जो पत्ते में देते हैं। तो अगर आप लोग को आगे भी ऐसी वीडियोस देखनी है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में वो नई चीज़ों के साथ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले गाइस।